जय श्री राम, आपका स्वागत है और आप खबरें अंडमान से। कल एक बार फिर शिपिंग सेवा निदेशालय की लापरवाही के कारण लिटिल अंडमान और कार निकोबार जाने के लिए यात्रियों को कई घंटे हेडो जेटी पर इंतजार करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक करीब 250 से 300 यात्रियों को कल 7 से 8 घंटे हेडो जेटी में इंतजार करना पड़ा। यात्रियों ने चैनल वन न्यूज को बताया कि कल एमवी चौरा जहाज को लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए सुबह 8 बजे रवाना होना था, पर उन्हें देरी के कारण ये बताया गया कि जहाज में डॉक्टर नहीं है। यात्रियों के साथ साथ सीआईएसएफ के जवानों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज ठीक 1 बजे सीआईएसएफ के जवानों को एमवी स्वराजदीप के यात्रियों को भी अंदर लेना था, जिसके लिए हेडो जेटी के यात्री कक्ष में उतनी जगह नहीं थी। यात्रियों का आरोप है कि आखिरकार एमवी चौरा शाम करीब 3 बजे लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए रवाना हुआ। यात्रियों को इस देरी के कारण खाने पीने के लिए भी काफी दिक्कतें हुई, क्योंकि हेडो जेटी में कोई भी कैंटीन नहीं है। हालांकि यात्रियों की मजबूरी को देखते हुए सीआईएसएफ के जवानों ने यात्रियों को खाने पीने के लिए बाहर जरूर छोड़ा था। सुना चलेंगे अभी 8 बजे हुआ नहीं, 9 बजे हुआ नहीं, 10 बजे हुआ नहीं, अभी 1 बजे सुना, 1 बजे के बाद कौन टाइम छोड़ेगा, कौन टाइम जाएगा पता नहीं। इतना मुश्किल झेलते रहता हम लोग के जगह से। तो होटल से लेके आता कच्चा वच्चा मिलता है, वही तो खाता है, क्या करेगा। हम लोग तो घूमने जाता नहीं, हम लोग काम में जाता, हम लोग का घर है नीले लेंगे जा रहा है। अभी सुबह से लेके इधर बैठा है, कोई वोट नहीं है, कुछ नहीं है, वो कैप्टन नहीं है बोलता, कोई टाइम में डॉक्टर नहीं है करके बोलता, बिना खाना खा के इधर बैठा है। बाहर जाना तो चेकिंग होता, बाहर अंदर आना तो चेकिंग होता, कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो हमको ये बोलता है। बहुत ही मतलब गुस्सा भी आ रहा है ये बात को लेके, कि अभी तक नहीं आए जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को वेट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर ये उन लोगों का प्रॉब्लम होता है, ये एक्चुअली में हम लोग ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं, गलती तो उन्हीं लोग का ही है ना, क्योंकि वो लोग पहले से ही मतलब जो काम था, मतलब जो अभी लेट आ रहा है, इस लोगों को पहले से ही मतलब पूछ लेना था ये सब बारे में, पहले से ही बात कर लेना था वो लोग। लेकिन अभी अभी प्रॉब्लम आ रहा है, अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ अभी लेट हो रहा है, ऐसा ऐसा करके बात हो रहा है, क्योंकि हम लोग सबसे बोल भी रहे कि हाँ 8 बजे आएगा, 10 बजे आएगा, तो सबसे वेट करने को अच्छा लग रहा है। कुछ भी बहुत मुश्किल से हो रहा है, लोग घर से मंगवा रहे हैं ये सब चीज़ें के लिए, क्योंकि अभी भी यहाँ भी कुछ अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी कैंटीन बंद ही है, हम लोग को आना जाना हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली मुझे 6 बजे का चलिंग था और हम लोग को लगा था 7 बजे हो जाए, अभी भी बहुत ही डिले हो रहा है ये चीज़ के लिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए एक्चुअली में, हाँ क्योंकि टाइम अगर दिया है तो टाइम पे ही मतलब करना चाहिए इस चीज़ को ना, लेके अभी देखो टाइम दिया 7 बजे का और अभी बोलते हैं कि 1 बजे चलिंग होगा, ऐसा बोले नहीं चाहिए ना, कितना सारा यहाँ पैसेंजर बैठे हैं, वेट ही कर रहे हैं ये बात को लेकर कि हाँ 10 बजे मतलब 7 बजे।